क्वेश्चन में आपको दो पेयर आपको गिविन है, एक पेयर आपको गिविन है चार्जेस का प्लस टू माइक्रोकुलम एंड प्लस टू माइक्रोकुलम के साथ क्या वन माइक्रोकुलम है ना, प्लस वन माइक्रोकुलम। और दूसरा पेयर आपको कहा गया है कितना, टू माइक्रोकुलम के साथ में माइनस थ्री माइक्रोकुलम, प्लस टू माइक्रोकुलम एंड माइनस थ्री माइक्रोकुलम। ये दो पेयर हैं, इन दोनों ही पेयर्स के लिए आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है F वर्सेस R, फोर्स और R। अच्छा, अब कूलम फोर्स का फॉर्मूला कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 by R। Q1 Q2 कुछ भी होते रहे, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो दोनों पेयर में ही हमें इन पेयर के जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड हैं, उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वेरिएशन ऑफ F विद रेस्पेक्ट टू R पर, चाहे यह चार्ज छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो कैसा भी हो। फोर्स और R का रिलेशन क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ही रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। तो दोनों पेयर के लिए ग्राफ एक से ही बनने चाहिए, करेक्ट। बस एक छोटा सा यहां चेंज है कि पहले पेयर में दोनों चार्ज सिमिलर है, दूसरे पेयर में दोनों चार्ज कैसे हैं, अपोजिट है। पहले पेयर के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन, तो दूसरे पेयर के बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। ठीक है, ग्राफ का शेप एक जैसा ही होना है लेकिन इनके क्वाड्रेंट बदल जाएंगे, क्वाड्रेंट डिफरेंट होंगे दोनों के, क्वाड्रेंट समझते ना। y एक्सिस पर हम लेते हैं फोर्स, x एक्सिस पर लेते हैं क्या, डिस्टेंस, और y एक्सिस पर एक पॉजिटिव में आप ले लीजिए रिपल्शन और नेगेटिव पर अट्रैक्शन। अट्रैक्शन को नेगेटिव पर लिया जाता है, ये शायद 11th क्लास में बताया था आपको। ये हमने ले लिया क्या, अट्रैक्शन, और यहां क्या लिया है, रिपल्शन। तो पहला वाला जो पेयर है आपका, उन पेयर्स के दोनों चार्जेस के बीच में है रिपल्शन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स किसके, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ है, पहले भी शायद आप बना चुके हो इसको, ये डीपली डीप बनता है हाइपरबोला, ये आ गया आपका कौन सा, फोर्स बिटवीन प्लस टू माइक्रोकुलम एंड प्लस वन माइक्रोकुलम, जो कि रिपल्सिव फोर्स होगा, और इन दोनों के बीच का फोर्स भी वेरिएशन बिल्कुल एज इट इज रहना है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऑलमोस्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस, घूमे घूमे बहुत तेजी के साथ घूमे, डीप जाता है और फिर बहुत जल्दी ये वापस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। तो यहां ये किसके बीच का फोर्स हुआ, ये है फोर्स बिटवीन प्लस टू माइक्रोकुलम एंड माइनस थ्री माइक्रोकुलम, जो कि अट्रैक्शन का फोर्स होगा। ये आ गया आपका दोनों का ग्राफ, ड्रॉ कर लीजिए।